डॉलर के मुकाबले रुपए का गिरना बदस्तूर जारी है। नित नए रोज रुपए की वैल्यू में गिरावट के नए रिकॉर्ड बन रही हैं। कोई इस पर चुटकी ले रहा है तो कोई सरकार को घेर रहा है, लेकिन मसला दरअसल उससे भी ज्यादा गंभीर है। दरअसल भारत को रुपए में गिरावट को लेकर दबाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस वित्तीय वर्ष में भारत को ज्यादा विदेशी ऋण चुकाना है और आगामी वित्त वर्ष में भारत का व्यापार और ज्यादा बढ़ेगा, जिससे भारतीय विदेशी रिजर्व मुद्रा पर भारी दबाव बनने के आसार हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक अगले 9 महीनों में भारत को अपनी कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 40% से अधिक धन से विदेशी ऋण भरना है। भारत के पास अभी कुल 621 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व है, जिसमें से 267 बिलियन डॉलर का विदेशी ऋण अगले 9 महीनों में चुकाना है। यह भुगतान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 44% हिस्सा है। मौजूद फॉरेन रिजर्व और कर्ज की तुलना की जाए तो समझेंगे कि कर्ज चुकाने की अवधि कम है और अगर इस बीच जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो रुपए पर दबाव पड़ सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक रुपए का मौजूदा स्थानीय मैक्रो सेटअप मुख्य रूप से तेल आयात की कठिनाइयों के कारण रिकॉर्ड घाटे में है। इसके साथ साथ विश्व बाजार में मंदी का माहौल और अमेरिका के बाजार में लगातार गिरावट ने भी रुपए की वैल्यू को प्रभावित किया है। रूस यूक्रेन युद्ध ने विश्व सप्लाई चेन को प्रभावित किया है, जिसकी वजह से विश्व को पेट्रोलियम और तमाम कमोडिटीज की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जो अप्रत्यक्ष रूप से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। सिर्फ जून की बात की जाए तो भारत को इस माह में रिकॉर्ड 25.6 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा हुआ है। जून में हुए व्यापार घाटे की रिपोर्ट जारी होने के तुरंत बाद रुपया बीते मंगलवार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 79.38 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर जा पहुंचा। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि चालू घाटा या निर्यात से अधिक आयात भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 3.1% हो जाएगा, जो पिछले साल मात्र 1.2% था। देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। फिलहाल भारत इसे पार पा लेगा, लेकिन फिर भी श्रीलंका के हालातों को देखते हुए हर किसी के मन में भविष्य को लेकर डर पैदा होने लगा है, क्योंकि श्रीलंका में भी अर्थव्यवस्था का हाल बद से बदतर होता चला गया। हालांकि भारत के पास अभी भी विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त है, लेकिन इसकी मात्रा लगातार घट रही है, क्योंकि आरबीआई ने फरवरी में विदेशियों के रिकॉर्ड पोर्टफोलियो निकासी के प्रभाव को कम करने के लिए 41 बिलियन डॉलर की बिक्री की थी। 3 सितंबर 2021 को विदेशी मुद्रा भंडार 642.5 अरब डॉलर का था, जो 24 जून तक गिरकर 593.3 अरब डॉलर हो गया है। विदेशी मुद्रा भंडार का 600 बिलियन डॉलर से कम होना किसी भी लिहाज से अच्छा संकेत नहीं है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।